हाँ जी बिल्कुल, ये देखो पोटेंशियल एनर्जी डेरिवेशन में आपने जस्ट ग्राउंड शो करना है, हाइट एच पे एक ऑब्जेक्ट शो करनी है, ठीक है, एंड देन यू विल मार्क द फोर्स एक्टिंग ऑन इट वेट, बस इतना बनाना है आपने पोटेंशियल एनर्जी के लिए। यू गेट अप सिट ऑन सेकंड बेंच, आ जाओ उसमें तो विदाउट फिगर बिल्कुल ही नहीं काम चलेगा। आप जब तक एच नहीं बताओगे, डी नहीं बताओगे, कैसे पता चलेगा आर कहां तक है, डी कहां तक है ना, वी विल नॉट कम टू नो। इज दैट फाइन? पोटेंशियल एनर्जी की दो स्टेप की डेरिवेशन है, W इज इक्वल टू एफ एस, एफ कितना है यहाँ पे एम जी, ये मेंशन करना है आपने। आगे दो स्टेप्स की तो डेरिवेशन है, वो भी पूरी नहीं करेंगे तो फिर रह क्या जाएगा, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी इट वॉज वर्थ कितने मार्क्स की थी, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स की भी आ सकती है, ठीक है। सो दिस इज डेरिवेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। ओके, दिस इज डेरिवेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में बस आपने ये बताना है कि स्मूथ टेबल, देयर इज एन ऑब्जेक्ट लाइंग एट रेस्ट, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन इट, इट मूव्स इट थ्रू डिस्प्लेसमेंट एस, एंड द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग एट फाइनल वेलोसिटी वी। बस वही जो बोल रहे हो वही बना देना, ठीक है। तो इंटेंशनली आई हैव डिडक्टेड हाफ मार्क दिस टाइम फॉर नॉट ड्रॉइंग द डायग्राम, ठीक है। हाँ तभी तो करते हैं नंबर, ताकि आप पेपर में बनाओ, ठीक है, नहीं तो और कोई मोटिव नहीं था यहाँ पे टेस्ट में मार्क्स डिडक्ट करने का, सो दैट यू डिवेलप द हैबिट। सेकंड बेंच पे आओ। ओके, नाउ लेट्स कम टू द डेरिवेशन। हाँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की डेरिवेशन बहुत बच्चों ने छोड़ी हुई अभी भी, आफ्टर सो मच ऑफ रिविजन, इतने बच्चों ने अभी भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की डेरिवेशन को छोड़ दिया है, और कईयों ने तो स्टेटमेंट तक नहीं लिखी है। जो ये जितने बॉयज है ना, इन्होंने स्टेटमेंट भी नहीं लिखी। तो आई वॉन्ट टू आस्क, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है क्या? आप बताओ, व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेटमेंट बताओ। आई थिंक ये सबको आती होगी, है ना, चलो बताओ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की स्टेटमेंट। नहीं आती, सच में नहीं आती, याद करो थोड़ा, आ जाएगा याद, रियली लास्ट। फ्रॉम वन फॉर्म इनटू द अदर टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट। एक बच्चे ने तो इसमें लिख दिया था काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। आई थिंक डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, बताओ ये कहां से है ना। तो टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, बैठ जाओ पढ़ना स्टार्ट कर दो भाई, क्लासेस लगानी है, ठीक है, उसके बिना काम नहीं चलेगा आपका। चलो ग्रेविटेशन की देखो डेरिवेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वॉन्ट टू प्रूव वट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कंबाइनिंग दीज टू वी गेट प्रोपोर्शनल टू एम वन एम टू। कई बच्चे यहाँ पे चढ़ा देते हैं एम वन और टू, ये तो स्क्वेयर लगता है, ऐसे नहीं लिखना, ये सबस्क्रिप्ट होना चाहिए। देन वी इंट्रोड्यूस द कॉन्स्टेंट हियर जी। वट इज कैपिटल जी? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, वेयर वॉट इज कैपिटल जी, वैल्यू बताओ विद यूनिट।
चलो स्टैंड अप. 9 पॉइंट. आप बताओ वैल्यू ऑफ कैपिटल वी. देख लो पता नहीं कितनी बार इसमें से तो पेपर भी दे दिया हुआ है. उधर क्या देख रहे हो आप मुझे बताओ ना. हाँ जी कैपिटल जी की वैल्यू. वाह कमाल है. आप बताओ गुरशान. एक मिनट लेट हिम स्पीक. हाँ 6.02 × 10⁻¹. हाँ टेरेस पर 23. ये तो एवोगैड्रो नंबर नहीं लग रहा आपको कुछ. और ये फिजिक्स लग रही है ना. वो केमिस्ट्री है आप कुछ उसका बोल रहे हो ना. कंफ्यूजन हो रही है ना. आप नेक्स्ट आप तो उसको बता रहे हो. अच्छा ये पता है तुम्हें. चलो अब कैपिटल जी बताओ. चलो याद करो आ जाएगा. सुनाओ सोचो सोचो. बहुत मुश्किल है ना. आगे आगे यूनिट. That means कि कैपिटल जी के जब हम अगर सपोज एमसीक्यू में ऑप्शंस दें तो एक ऑप्शन एवोगैड्रो नंबर की भी चल सकती है ना. इसका मतलब बहुत बड़ी कंफ्यूजन है. एक ऑप्शन एवोगैड्रो नंबर की भी ला सकते हैं. बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए सफिशियंट है ये है ना. अब सपोज कर लो कि मैं आपका नेम बोल दूं है ना. आप प्राची फुल नेम अरोड़ा एंड यू आर यांशिका है ना. अब रियांशिका अरोड़ा बोल दूं मैं तो ये तो मिक्स एंड मैच हो गया. ऐसे ही आपने फिजिक्स केमिस्ट्री की खिचड़ी बना दी है ना. ऐसे नहीं हो गया. एवोगैड्रो नंबर प्लस कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल नई चीज बनेगी एक है ना. चलो सो कैपिटल जी इज 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर फीट. अब यहाँ तो मैंने आपको बता दिया कि वो वैल्यू नहीं है. नहीं तो पेपर में तो आपने लिख देनी थी. आपको किसी ने बताना भी नहीं था. आपने ठीक लिखा कि गलत लिखा है ना. देयर नो वन विल बी देयर टू करेक्ट यू. तो जो आपने लिख दिया वो फाइनल होगा. अब है स्मॉल जी के डेरिवेशन पहले. क्या फॉर्मूला है स्मॉल जी का. एक मिनट ये बताएगा. यस एफ है जी एम एम ओवर आर स्क्वायर और स्मॉल जी क्या होता है GM over R square. अब ये derive करते हैं. So this is earth of radius R. We take a point A. Mass of earth is M. A stone lying on the surface of earth has a mass small m. What is the distance between the centers? Equal to radius of earth. उनके centers के बीच में distance कितना है. अर्थ के रेडियस के ऊपर. सिट डाउन ऑल ऑफ यू. तो हाउ कैन यू राइट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम. दिस इज द फॉर्मूला. ऑल्सो वेट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. वेट क्या होता है वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी होता है बाय डेफिनेशन. तो वेट का फॉर्मूला होता है mg. इफ वी मार्क इट हियर वेट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ. और वेट को W की बजाय F ही लिख देते हैं क्योंकि ऑलरेडी वी हैव यूज्ड द सिंबल F फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है तो ये दोनों को इक्वेट कर दो. यू विल गेट द फॉर्मूला ऑफ स्मॉल जी. ये स्मॉल जी आ गया GM अपॉन R स्क्वायर. बाय पुटिंग द वैल्यूज हियर बाय पुटिंग मास ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ वी गेट इट्स वैल्यू 9.8 m/s². वो जो आप वैल्यू बता रहे थे वो स्मॉल जी की. 9.8 m/s² is the value of small g. अब effect on g when we move above the surface of it. We reach a point h. So let us see how does g vary with height. So at b point let us assume that g is different. Let us say this is g dash. So first of all
at a point g can be written as gm over r square. At b point how can we write g dash g and m to wahi rahenge, distance change ho gaya. B point ka distance agar hum dekhe from center of earth is r plus h. So in place of simply r square we will write here r plus h square. So divide now 2 by 1. So this is r square over r plus h square. अब क्योंकि r square is less than r plus h square, therefore g dash is less than g. Because r square is less than r plus h square, g dash is less than g. Is that okay? ये वेरिएशन इन जी विद हाइट है. देख लो डेरिवेशन, आपने ए पे लिखा, बी पे लिखा, वहां आर स्क्वायर था, यहां पर आर प्लस एच लिख दिया, बस डिवाइड किया तो ये आ गया. बट एंड में डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन द रिजल्ट. कि क्वेश्चन ये है कि हाउ डज जी वेरी विद हाइट, तो आप बताओगे ना कि इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई कि चेंज नहीं हुई. तो इट विल डिक्रीज विद हाइट. सो मैक्सिमम ऑन द सर्फेस एज वी गो फ्रॉम poles or surface to the height, then it will go on decreasing. ठीक है, तो G पे क्या इफेक्ट होगा when we will move from equator to poles? Yes, who will tell me? एक और फैक्टर करवाया था ना, shape of earth. तो अगर हम equator से poles की तरफ जाएं तो G पे क्या इफेक्ट होगा? आप आंसर दे सकते हो कि व्हेन वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स विल जी इंक्रीज और डिक्रीज इन वन वर्ड. हाँ, इंक्रीज यू थिंक और यू आर श्योर? यस, जी विल इंक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, क्योंकि इक्वेटर पे मिनिमम है, पोल्स पे मैक्सिमम है. सो इफ वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स जी विल इंक्रीज, राइट. अब है वेरिएशन विद डेप्थ. अब हम सरफेस से एक टनल डिग करके अर्थ के अर्थ के अंदर जाना शुरू कर दिया हमने. ठीक है, सो लेट अस गो इनसाइड द अर्थ. So when we reach point B, हम कितनी डेप्थ पे हैं? D डेप्थ पे हैं. From the surface we will write the depth. ठीक है? We are at a depth D. So what is our distance from center of Earth right now? ये R था, ये D था, तो ये कितना है? R minus D this is. Because always we take distance from the center of Earth. Distance of that point from the center of Earth we will take. ठीक है, so when we will reach B point, the distance from the center of Earth will be r minus d. But don't take it other way कि जैसे हमने height में r square का r plus h square कर दिया, इसमें हम r square का r minus d square कर देंगे, ऐसा नहीं है. Because I told you the reason, when we go with height, air हमारे रास्ते में आती है जिसकी density 1 है, so it doesn't affect, it's not important. But when we go in the interior of Earth, then the density of Earth is not ignorable. It's quite large. So we have to first modify our formula of small g, and we have to write it in terms of density of Earth. So हम इसको पहले Earth की density के terms में लिखते हैं. Density क्या होती है? Mass over volume. Cross multiply कर दो, mass will be volume into density. Now what is the volume of Earth of radius r? Which is a sphere, 4/3 πr³. तो अब ये मास यहां पे पुट करते हैं. मास को क्या पुट करेंगे? ये. सो लेट्स रीराइट इट. एट ए पॉइंट जी इज जी ओवर आर स्क्वायर, और एम को क्या पुट करते हैं? 4/3 πr³ d. इज दिस स्टेप क्लियर? अब 2 r's गेट कैंसल्ड एंड 1 r इज लेफ्ट हियर.
So we write g 4 over 3 pi g r d. This is equation number 2. This is our equation number 2. Okay? ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई. नाउ लेट अस राइट एट बी पॉइंट. नाउ अब इन प्लेस ऑफ जी वहां पे जी कितनी है, डिफरेंट है, वही तो हमने निकालनी है. तो लेट अस राइट जी को जी डैश. 4 ओवर 3 पाई और जी ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं, दीज विल नॉट चेंज. आर के प्लेस में डिस्टेंस हमारा चेंज हो गया है, आर माइनस डी हो गया. डेंसिटी ऑफ अर्थ भी वही है. सो वी पुट इट हियर. ठीक है, वी पुट इट हियर. देख लो ये स्टेप क्लियर है. किसको क्लियर नहीं है पूछ लो. अभी स्मॉल डी तो डेप्थ है, कैपिटल डी इज डेंसिटी ऑफ अर्थ. अर्थ के अंदर इतनी रॉक्स वगैरह हैं, मेटल्स हैं, उनकी डेंसिटी काफी हाई है. तो कैपिटल डी इज डेंसिटी, स्मॉल डी इज द डेप्थ. राइट, डिवाइडिंग नाउ 3/2 जी डैश बाय जी ठीक है. सो वी गेट आर माइनस डी ओवर आर सेपरेटिंग आउट द बेसिस R over R minus D over R. R over R आ गया 1. जो स्टेप नहीं क्लियर होगा पूछ लेना. I have separated the bases. R दोनों के नीचे है तो दोनों को सेपरेट कर दिया. R over R minus D over R. R by R is 1. So we get G dash over G is 1 minus D over R. G उधर ले जाइए. You will get new G. Now, how can you prove that this G is less than the G on surface? कैसे पता लगा कि G dash G से कम है? Again, it decreases. So, we comment in the end that G dash is less than G. Again, when we go in the interior of Earth, G decreases with depth as well. But कैसे पता चला कि ये G dash G से कम है? हाँ, इसको अगर ब्रैकेट को ओपन करें तो ये होगी g माइनस डी जी बाय आर, g माइनस समथिंग. तो क्योंकि ओरिजिनल g में से कुछ माइनस हो रहा है, दैट मींस दिस g इज लेस देन द ओरिजिनल g. सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस विद डेप्थ एज वेल. देख लो ये डेरिवेशन, आप कोई डाउट है तो. यस, योर डाउट. क्या डाउट? सेवन. हाँ, तो ये तो सिंपल पेंडुलम ही है. वही सिंपल पेंडुलम के तो हमने किया ही हुआ है. आपने उस दिन भी मैंने रिवाइज करवाया था कि मीन पोजीशन एक्सट्रीम. आपने क्या लिखा हुआ है? एक डिफरेंट सी लैंग्वेज लिखी. हाँ, व्हेन द पेंडुलम इज हाई एंड व्हेन द पेंडुलम इज लो. ऐसे नहीं लिखना, हाई लो नहीं है वो. एक्सट्रीम पोजिशन एंड मीन पोजिशन, टॉक अबाउट दैट. हाँ, वो लैंग्वेज ठीक नहीं है. तो आपने पेंडुलम बॉब का, अगर हमने ये ऐसा डायग्राम बना दिया जैसा कई गर्ल्स ने बनाया है, उसका तो कोई यूज ही नहीं है. दिस इज करेक्ट. 24 है प्रेजेंट, 12 23. ओके, सो अगर आपने ये डायग्राम बनाया है, इसका कोई यूज है मुझे बताओ. बस ये बना दिया, क्या फायदा हो इसका? जब आपने ये ही नहीं लिखा, आप कहोगे हमने तो डायग्राम बनाया. आप लिखो मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज अनदर एक्सट्रीम पोजीशन. ठीक है, और फिर आप लिखो कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है. अगर आपने मैक्सिमम नहीं लिखना तो वैल्यू लिख सकते हो. ठीक है, जैसे हमने क्लास में किया था, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 5 जाउल कर दी. टोटल एनर्जी इज 5 जाउल.
दिस इज जस्ट इन एग्जाम्पल, आप मैक्सिमम मिनिमम भी कर सकते हैं. और यहाँ पे हाइट मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज मैक्सिमम एंड काइनेटिक एनर्जी इज जीरो. और इन बिटवीन व्हाट्स हैपनिंग, अब आप देखो कि आप ये बोलोगे कि व्हेन द पेंडुलम बॉब रीचेस द एक्सट्रीम इट स्टॉप्स फॉर अ मोमेंट, तो इसका मतलब वहां काइनेटिक एनर्जी जीरो है एंड इट इज एट द मैक्सिमम हाइट. कई बच्चों ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, इट्स एट मैक्सिमम हाइट सो पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम देयर. Now, as the pendulum bob comes back from extreme to mean position, then what happens? Height goes on decreasing, potential energy goes on decreasing, that's why. And since the speed goes on increasing, kinetic energy goes on increasing. So, all the potential energy it had at the extreme position will be converted into kinetic energy when it reaches the mean position. And same will happen when it will go on the other side. तो ऐसे आपने एक्सप्लेन करना है मीनिंगफुल. 4-5 नहीं, इसमें कुछ डिराइव नहीं करना आपने, नहीं वो कुछ उसका कोई मीनिंग नहीं है. हमने तो फॉर्मूला यूज करके डिस्कस करना, फॉर्मूला नहीं डिराइव करना है इसमें. आप मैक्सिमम मिनिमम करके लिख सकते हैं. हाँ हाँ, अटेंडेंस रोल नंबर 16, 9, 26, 27, 28, 29, 26 से 29, then 33, 45. चलो लिखो एक क्वेश्चन. ही हैज ब्रॉट वन न्यूमेरिकल. अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स. अ बॉल इज प्रोजेक्टेड vertically upwards with an initial velocity u. A ball is projected vertically upwards with an initial velocity u, goes to a maximum height h before touching the ground. Goes to a maximum height h before touching the ground. A ball is projected vertically upwards with initial velocity u, goes to a maximum height h before touching the ground. What is the value of h? The question is, what's the value of h? तो ये तो बस ये है कि values given नहीं है, otherwise तो ऐसे question हमने किए ही है. U से आपने उसको ऊपर फेंका है, ठीक है, highest point पे velocity zero है. For upward motion, acceleration is minus, है ना? तो हाइट यहां तक एच है वो ही निकालनी है हमने. सो वी विल यूज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. वी विल पुट इन द वैल्यूज. वी जीरो है, यू यू है, एक्सेलरेशन है माइनस जी एंड एच वी आर टू फाइंड. नहीं कुछ भी नहीं, यू स्क्वायर बाय टू जी, ये आपका आंसर. जब उन्होंने सिंबल्स में कहा हुआ है सब कुछ तो सिंबल्स में ही आंसर होगा. यू तो दिया ही नहीं हुआ तो फिर जी को भी पुट करके क्या कर लोगे आप, अकेली एक की वैल्यू पुट करके क्या करना है. सो दिस इज यू स्क्वायर बाय टू, ठीक है. इस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं ना अपवर्ड मोशन डाउनवर्ड मोशन के लिए. आप अपवर्ड मोशन के लिए खुद भी जीरो लोगे हाइएस्ट पॉइंट, और ए एक्सेलरेशन को -9.8 लोगे, और डाउनवर्ड मोशन के लिए ए को +9.8 लोगे और यू जीरो लोगे, ठीक है. फ्री फॉल के लिए यू जीरो लोगे. व्हेन ऑब्जेक्ट विल फॉल डाउनवर्ड्स तो यू जीरो लेना है आपने. इस टाइप के न्यूमेरिकल्स किए हैं ना हमने, तो वो सारे रिवाइज करिए एक बारी, ठीक है. और कोई डाउट, और कोई है इसमें ढंग का? चलो लिखो एक और लिखो. The momentum of a bullet of mass 10 gram bullet. Momentum of a bullet of mass 10 gram fired from a gun is फाइव केजी मीटर पर सेकेंड
What is the kinetic energy of this bullet? What is the kinetic energy of this bullet? कौन बताएगा which formula we will use? हाँ, P is equal to under root 2ME, direct use कर लेंगे, ठीक है? या फिर energy E is equal to E square by 2M, वही बात हो गई, ठीक है? याद है ये formula? रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप अलग अलग फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो. बता दो एक बारी फॉर्मूला मोमेंटम क्या है. आज आगे बैठे हो ना, फायदा हो रहा है ना. चलो मोमेंटम का फॉर्मूला बताओ. अरे मोमेंटम तो पिछली टर्म में ही हमने इतना अच्छी तरह से पढ़ा था उसको. आप बताओ मोमेंटम सिंबल ही बता दो. चलो सिंबल क्या होता है. एम, ये मैंने आपके सामने भी लिखा भी है. पी, एम तो मास होता है, पी है ना मोमेंटम. हाँ बोलो क्या. एम वी, सो पी इज इक्वल टू एम वी भी यूज कर सकते हैं. काइनेटिक एनर्जी का आता है फॉर्मूला आपको. एक मिनट, काइनेटिक एनर्जी देख लो फिर. काइनेटिक एनर्जी का नहीं बताओगे, स्टैंड अप. अरे इतने दिनों से एनर्जी एनर्जी तो कर रहे हैं हम. काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है बोलो. हाँ जी काइनेटिक एनर्जी. इतनी मुश्किल से वन ओवर टू क्यों कह रहे. हाफ एमवी स्क्वायर या इस तरह से लर्न हो जाएगा ना आराम से. आप बताओ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला. चलो पुट कर दो बस इसमें वैल्यूज. पी स्क्वायर फाइव स्क्वायर ओवर टू इंटू टेन ग्राम को किलोग्राम में नहीं कन्वर्ट किया तो गलत. कितने बच्चों ने किया कन्वर्ट किलोग्राम में बताओ. कितने बच्चे रेज हैंड जिन्होंने खुद से इसको किलोग्राम में पहले कन्वर्ट कर लिया था पुट करने से पहले. दो ने किया बस. बाकी मास का स्टैंडर्ड यूनिट केजी है, केजी में पहले लेना है. डिवाइड बाय 1000. ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी है. न्यूमेरिकल में अगर वेलोसिटीज आपको इनिशियल या फाइनल किलोमीटर पर आवर में दी हैं, फर्स्ट डोंट फॉरगेट टू कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकंड बिफोर पुटिंग द वैल्यूज इन. ठीक है, तो 1/100 हो गया ये, मतलब कि 0.01. क्या इसको क्या बोलते हैं, केजीएम ओवर एस बोलते हैं, क्या बोलते हैं. चलो गगनदीप आप बताओ. थैंक गॉड, केजी मीटर पर सेकेंड. एस क्या है अभी, सेकेंड बोलो ना उसको. एम क्या है, ये एबीसी थोड़ी ना लिखी हमने, यूनिट लिखे हैं, है ना. तो अब आपको पता लग गई है यूनिट्स कैसे लिखते हैं, तो इसको प्रॉपर बोला करो. ठीक है चलिए, तो ये कितना आ गया, 25 इंटू टू और 1/100 ऊपर चला गया. कितना आ गया, 1250 एनर्जी और जाउल में. 1250 जाउल. चेक योर आंसर, इज इट करेक्ट. नो, किसका नहीं करेक्ट आया, क्यों. लिखो मास ऑफ, द मास ऑफ अ पैकेज इज 30 kg. द मास of a package is 30 kg. Calculate the increase in, calculate the increase in gravitational potential energy, calculate the increase in gravitational potential energy of the package when it's raised through a vertical height of 2 meter. When it is raised through a vertical height of 2 meter. तो इसका मतलब पहली हाइट क्या थी, ग्राउंड पे होगा ना इसका मतलब. इसका मतलब पहली पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो थी. अब जो न्यू पोटेंशियल एनर्जी है वही चेंज भी वही होगा, इंक्रीज भी वही होगा, क्योंकि पहली तो जीरो था. इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल ही करते हैं ना,
मतलब कि जो फाइनल आप फाइंड कर लोगे वही आपकी इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो जी को 10 ले लो फॉर द टाइमिंग। और कौन सा फॉर्मूला है? एक मिनट कोई बोलेगा नहीं, एक मिनट आप बताओ हरमन, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला MgH ना। चलो ठीक है, MgH पुट करो वैल्यू, सॉल्व करके मुझे बताओ आंसर, बताइए। हाँ तो पहले तो जीरो ही है ना, ग्राउंडेड होगा। When it is raised through vertical height, मतलब पहले ग्राउंड पे ही होगा, तो पहले तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। उसका क्या करना है, ये MgH लगाना है अपना। एक मिनट, इसका बी पार्ट भी है वो भी लिखो। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, चेंज भी यही है। कितना है आंसर? 600। जाओ बी पार्ट, द सेम पैकेज इज रेज्ड थ्रू, सेम पैकेज इज रेज्ड थ्रू वर्टिकल हाइट ऑफ 2 मीटर इन 4 सेकेंड्स। सेम पैकेज इज रेज्ड थ्रू वर्टिकल हाइट ऑफ 2 मीटर इन 4 सेकेंड्स। कैलकुलेट द पावर नीडेड टू रेज इट, कैलकुलेट द पावर नीडेड टू रेज इट। अब कौन सा मामला यूज होगा? MgH ओवर टाइम। भाई MgH तो निकाल ही लिया आपने, डिवाइडेड बाय टाइम विच इज 4 सेकेंड। ठीक है, बस इससे डिवाइड कर लेना। यस 150 जूल वॉट, सो पावर इज 150 वॉट। नाउ यूनिट ऑफ पावर क्या है? वॉट। किसको नहीं पता लगा? इज दैट क्लियर? पता लग गया आपको? ओके अब आप बताओगे, स्टैंड अप जसप्रीत, है ना। 1 kWh में कितने जाऊल होते हैं? हैविश, हैविश, गगन, क्या आंसर? फिल इन द ब्लैंक। जगनूर, जपप्रीत बताओ, गुरशान, हाँ बताओ, याद आ गया। अब 3.6 × 10⁶ जूल, और वो जो 746 वो क्या था? हॉर्स पावर। 1 horsepower is 746 watt। हाँ जी।